कल अब्दुल चाचा की शादी है यार, कल तो फुल मजा आएगा। हाँ, कल का दिन एकदम धमाकेदार होने वाला है। लेकिन तुम लोग को पता है अब्दुल चाचा जिसके साथ शादी की वो लड़की थोड़ी काली सावली देखी है। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? अरे अगर लड़की थोड़ी गोरी होती तो अच्छा होता। ये तो प्रॉब्लम है यार हमारे देश का, कि अगर लड़की काली है सांवली है तो क्या होगा? हाँ, समाज में नाम खराब होगा हमारा। हाँ, अगर लड़की गोरी है मतलब वो अच्छी है, और अगर लड़की काली है मतलब क्या वो बेकार है? आजकल सभी लोगों का यही प्रॉब्लम हो गया है यार। कोई लड़की अच्छी दिखे, गोरी दिखे तो उससे प्यार हो जाता है, और कोई लड़की काली या सांवली हो तो तुम उससे इग्नोर कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्किन कलर। आजकल के लोग लड़कियों को कलर से जज करने लग गए हैं। क्या पता अगर गोरी लड़की सिर्फ बाहर से अच्छी हो, उसके अंदर जाके उसका स्वभाव किसने देखा है? यार ये सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी प्रॉब्लम हो गया है कि अगर लड़के गोरे हो तो शाहरुख सलमान की औलाद, अगर काले हो तो गुंडे मवाली तपूरी। अरे छोड़ो यार, इसमें ये लोग की भी कोई गलती नहीं है। आज की जनरेशन ने यही माइंडसेट बना के रखा है कि जो गोरे होते हैं उन्हीं को भाव मिलता है। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। आजकल के लोग स्कूल में भी एक दूसरे को कलर पे चिढ़ाते हैं। कालू इधर आ, ये भी कोई बात है? अभी छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों में सुनेंगे, जो टीवी प्रोग्राम्स पे देखेंगे, वही बोलेंगे ना, उनका माइंडसेट ही वैसा हो गया है। और इसकी वजह से कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं काला हूँ, मुझे सब चिढ़ाते हैं, मैं बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे सब कुछ नहीं होता, ये सब डिमोटिवेशन है। आजकल के एडवर्टाइजमेंट ही देख लो, लोग सिर्फ ग्लैमर की बात करते। हाँ वही तो, ये क्रीम लगाओ एक हफ्ते में गोरे हो जाओ, आपकी सक्सेस का राज। अरे क्या गोरे लोग ही सक्सेसफुल हो सकते हैं? जो ब्लैक या सांवले है वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्या? अरे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो तुम लोग, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जबकि वो गोरे नहीं थे। अजी पे बोलना है, डूइंग एन एड शूट लुकिंग फॉर अ फीमेल गर्ल 5.1 इन हाइट विद अ फेयर स्किन। फेयर स्किन हाँ, ये भी कोई बात ही? अगर तुम लोग एक्टिंग को कलर से जज करते हो तो फिर तो ये रेसिज्म हुआ। अब समझा ताहिर, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, कलर मैटर नहीं करता, बस तुम दिल के साफ रहो, दुनिया खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ सॉरी गाइस। ताहिर आजकल अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता तू? मैंने उससे पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप कर लिया। क्यों? साला एक नंबर की स्लट थी, मेरा अलावा और दो लोगों को डेट कर रही थी तो, और वो दोनों के साथ किस भी की थी, और एक के साथ तो रिलेशन में थी फिजिकली, तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और ये सब तुझे किसने बोला? दोस्तों ने बताया। और तूने मान भी लिया? क्या पागल, मेरे दोस्त तो उनकी बात तो मैं आग बंद करके भी मान लू। और तुझे लड़कियों को ये स्लट बोलने का राइट किसने दिया है? तो बोलूंगा ही ना। तुझे पता है तेरी बहन एक साथ तीन तीन लड़कों को डेट कर रही है? कर रहा है, और वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी है। एक लाफा तो क्या तुझे, तुझे किसने बताया? दोस्तों ने। और तूने मान भी लिया? तो तूने क्या किया? अरे बेवकूफ आदमी, तेरे दोस्त तुझसे जल रहे हैं, इसके लिए तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वो लोग, तुझे झूठ झूठ बोल रहे हैं और तू मान रहे हो उनकी बातें। क्या बात कर रहे हैं? मैं कौन राइट्स देता है लड़कियों को स्लट बोलने का? लड़की पार्टी में जाए तो स्लट, लड़की रात को फ्रेंड्स के साथ घूमे तो स्लट, लड़की शॉर्ट ड्रेसेस पहने तो स्लट, लड़की रात को नाइट आउट मारे फ्रेंड्स के साथ तो स्लट। अरे उनकी भी कोई जिंदगी होती है ना। स्लट ये वर्ड कितना खराब है तुम लोगों को पता है? और उससे भी खराब है लोगों की मेंटेलिटी। अगर तीन लड़कों के ग्रुप में एक लड़की घूमे तो स्लट, और वहीं पे अगर तीन लड़कियों के ग्रुप में एक लड़का घूमे तो वो कूल डूड। ये कैसी बात हुई यार, कितना भला बुरा बोल सकते हैं लोग एक दूसरे को? तो मोटा है छोटा हो तो उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं। आजकल रेप के केसेस कितने बढ़ गए यार, कुछ लोगों की मेंटेलिटी कितनी बदल गई है। सर प्लीज मत करो, लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। आप सबसे भी हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों को दिखाएं। हम सभी जानते हैं कि रेसिज्म, रेप, बॉडी शेमिंग और ये जो भी सोशल बुलिंग सब कुछ होते हैं, दिस नीड्स टू बी स्टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।